आईपीएल 2024 के 10वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को 7 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उनके घरेलू मैदान यानी चिन्नास्वामी में हराने में कामयाब रही। आपको बता दें, आरसीबी ने अपने डेब्यू मैदान पर केकेआर के खिलाफ 2015 में अपनी आखिरी जीत हासिल की थी। इस मैच में सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 59 गेंदों में 83 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। उनके अलावा कैमरन ग्रीन ने 33, ग्लेन मैक्सवेल ने 28 और दिनेश कार्तिक ने 20 रन बनाए, जिसकी मदद से आरसीबी की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन ही बना सकी। कोलकाता की तरफ से हर्षित राणा और रशल को 2-2 विकेट मिले, वहीं सुनील नारायण को भी 1 विकेट मिला। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से फिल शॉर्ट ने 30, सुनील नारायण ने 47, वेंकटेश अय्यर ने 50 और श्रेयस अय्यर ने 39 रन बनाए। इस मैच में आरसीबी के बॉलर्स को केकेआर के बैटर ने जमकर आड़े हाथों लिया। यशदयाल, विजय कुमार वैश्य और मयंक डागर ने 1-1 विकेट छटका। विजय कुमार वैश्य सबसे किफायती रहे, उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए। वहीं मयंक डागर ने 2.5 ओवर में 23 रन दिए और यशदयाल ने 4 ओवर में 46 रन लौटाए। अल्जारी जोसेफ सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 2 ओवर में 34 रन खर्चे। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 3 ओवर में 46 रन लौटाए। केकेआर ने इस मैच को 19 गेंद पहले ही 7 विकेट से जीत लिया। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच सुनील नारायण को दिया गया, जिन्होंने 47 रनों की पारी खेली और 1 विकेट भी झटका था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।